Now, let's talk about the course first. Now, in terms of course, guys, your first part of the course is basic concepts. हम ये वाला पोर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट टुडे आई विल रन थ्रू दिस पोर्शन अगेन. टुडे इन द मॉर्निंग आई सेंट यू द पीडीएफ. इन तीनों का आज पीडीएफ देखा है, भेजा मैंने आपको, जिसका नाम है योर सीबीजीए, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, टॉपिक 1.1. हैव यू ऑल सीन दिस पीडीएफ जो मैंने आज सुबह भेजा है? यस सर. ठीक है, तो दैट इज फॉर दीज थ्री थिंग्स. ठीक है, वील बी एबल टू फिनिश इट टुडे इटसेल्फ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ दिस. वी विल ऑल्सो लुक एट दिस. दिस इज जस्ट टू पेजेस. वी विल ऑल्सो लुक एट दिस. आई हैव ऑल्सो सेंट यू द पीडीएफ ऑफ दिस. दिस इज टॉपिक 1.2. आई हैव ऑल्सो सेंट यू द पीडीएफ ऑफ दिस. फॉर बीए प्रोग्राम गाइज, अश्वरा मैम विल बी कवरिंग ऑल दीज थ्री टॉपिक्स. फिस्कल फेडरलिज्म टॉपिक 3.1.3, 1.4 एंड 1.5. दिस इज रिगार्डिंग योर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. याद है मैंने फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको बताया था कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितना पैसा जो है वो सेंटर से स्टेट्स तक पहुँचेगा, एटलीस्ट द टैक्स रेवेन्यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर रेवेन्यूज आर ऑल्सो डिसाइडेड. सो रितिका, येस यू कैन रेफर टू माई पी डी एफ फॉर दी सेक्शन दैट आई एम टेकिंग. तो वो पी डी एफ क्या है? वो बेसिकली जो भी आपके सिलेबस में पोर्शन है उसको हाईलाइट कर दिया मैंने, मार्क कर दिया, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू. आई जस्ट शो यू दैट पी डी एफ एज वेल. अभी हम जब शुरू करेंगे तो वो पी डी एफ भी आपको दिखा दूंगा. दैट शुड बी सफिशेंट नफ. इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स यू कैन बाय योर रीडिंग. जब ये फाइनलाइज हो जाएगा आपके 2-3 दिन में, ये आपके पास रीडिंग लिस्ट आ जाएगी. You can call up SRCC, you can call up Delhi School of Economics, and you can get your this hard copy of these notes couriered to you at your home place. ठीक है, but and so, yeah, soft copy I'll be giving it to you. जैसे मैंने आज आपको दो टॉपिक्स के सॉफ्ट कॉपी भेज दिया ना, तो सिमिलरली मैं आपको पूरे सिलेबस का जैसे जैसे मैं कोर्स कराता रहूंगा आपको आई विल बी अपलोडिंग दी सॉफ्ट कॉपी बोथ ऑन द क्लासरूम एज वेल एज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, दैट्स वाई आई वॉज टेलिंग यू कि व्हाट्सएप ग्रुप अपना मत छोड़ना, सो दैट एटलीस्ट यू हैव एक्सेस टू दीज पी डी एफ्स. एंड अगेन फॉर बी ए प्रोग्राम अश्वरा मैम विल बी टेकिंग हर ओन अप्रोच कि किस तरीके से वो शील बी गिविंग यू दी नोट्स, बट यू कैन ऑलवेज हैव द सेम पी डी एफ्स बिकॉज इट्स द सेम सिलेबस. ठीक है, देन सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट कवर्ड, ऑल्दो आई हैव जस्ट मेंशन इट टू यू दैट हाउ फिस्कल फेडरलिज्म हैपन्स. आई हैव टॉक्ट अबाउट फेडरलिज्म, आई हैव ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दैट हाउ सम पोर्शन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू. याद है मैंने आपको बताया था एक टैक्स पूल होता है, सेंट्रल टैक्स पूल. ठीक है, तो और जो मैंने आपको बजट की क्लास का लिंक बताया था, जो क्लास 2 भेजी थी, वो जो फेब्रुअरी की क्लास है उसके अंदर मैंने फिस्कल फेडरलिज्म भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट वीडियो एज वेल. सो टैक्स पूल से पैसा जो है वो कितना सेंटर से स्टेट्स में आता है, वो हम इस पोर्शन में देखते हैं. ठीक है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 15th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, इन दिस पोर्शन. देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक्स, एंड दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, एंड इसमें पहले हम 5-year प्लान्स के बारे में बात करते हैं कि हर एक 5-year प्लान में क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द प्लान्स के बारे में. तो ये एक पोर्शन है. ठीक है, आई हैव नॉट कवर्ड दिस, बट अगेन वी विल बी कवरिंग इट. देन उसके बाद हम करंट इनिशिएटिव्स पे एंड करंट पॉलिसीज पे पहुंच जाते हैं इस पोर्शन के अंदर, सेक्शन 2.2 के अंदर. अभी ये जो पेजेस हैं ये डिसाइड नहीं हुए, दैट्स वाई दे आर मार्क्ड इन येलो. ठीक है, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर मार्क करा हुआ है, दीज लिंक्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड. So these links will be further provided and then this reading list will be finalized. So we will be picking up certain chapters from the economic survey. Your economic survey comes as a two-fold part. ठीक है, तो टू पार्ट सीरीज में आता है. पार्ट वन के अंदर क्या होता है, थीम्स होती हैं. पार्ट वन के अंदर करंट थीम्स होती हैं, करंट पॉलिसी थीम्स हर साल चेंज हो जाती हैं. सो एवरी ईयर यू विल सी दैट दी चैप्टर इज जो वॉल्यूम वन का जो चैप्टर्स हैं वो हर साल डिफरेंट होता है, उनके नाम डिफरेंट होंगे, उनका कंटेंट डिफरेंट होगा. जो वॉल्यूम टू होता है इकोनॉमिक सर्वे का, दैट उसका जो फ्रेमवर्क है वो हमेशा सेम रहता है, उसके चैप्टर्स नेम हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर हमेशा वॉल्यूम टू का ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी होता है,
थर्ड चैप्टर हमेशा सेकेंड चैप्टर यूजली प्राइसेस का होता है, ठीक है, फिस्कल डेवलपमेंट को लेके, थर्ड चैप्टर हमेशा एक्सटर्नल सेक्टर को लेके होता है। तो ये फ्रेमवर्क है। एज आई वॉज टेलिंग यू दैट जो सेकेंड वॉल्यूम होता है उसका उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो हमेशा सेम रहता है कि चैप्टर्स के नेम क्या रहेंगे, उस चैप्टर के अंदर कंटेंट हर साल चेंज हो जाएगा बट नेम सेम रहते हैं, क्योंकि वो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर बता रहा होता है कि अच्छा ये चैप्टर ये है, इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा कि ओवरव्यू क्या है इकोनॉमी का, फिर आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, फिर आएगा एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इंडस्ट्री में क्या हुआ, सर्विसेज सेक्टर में क्या हुआ, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में क्या हुआ। तो इस तरीके से उनके चैप्टर्स फिक्स्ड होते हैं एंड वी विल बी स्टडिंग सर्टन पोर्शंस ऑफ दिस, वी डोंट हैव टू डू द इंटायर वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू। सो वॉल्यूम वन के अंदर से वी विल बी डूइंग द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वी विल बी डूइंग वॉल्यूम वन का फिफ्थ चैप्टर। ये है आपके करंट सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे गाइज, रिमेंबर इकोनॉमिक सर्वे इज द रिव्यू ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द इकोनॉमी। बजट हमने क्या बात करी थी, बजट प्रोस्पेक्टिव होता है, याद है बजट, हमने बजट जो इस साल बजट आया था वो कौन से ईयर का आया था गाइज, 21-22 का आया था। सो विच एसेंशली मीन्स बजट इज अ प्रोस्पेक्टिव, आज हम टाइमलाइन भी देखेंगे बजट का, बजट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो बजट आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता रहा है, वेयर एज इकोनॉमिक सर्वे इज गोइंग टू टेल यू अ रिव्यू ऑफ द करंट फाइनेंशियल और रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर होता है उसका रिव्यू होता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट फेबररी 2021 को जब बजट आया था तो बजट प्रेजेंट किया गया था फॉर 21-22। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड, आई टोल्ड यू इट्स अ रिव्यू ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो 2021 एग्जैक्टली। सो इकोनॉमिक सर्वे करंट फाइनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी जिसके 8-9 महीने बीत चुके हैं उसके बारे में बता रहा होता है कि अच्छा ये हुआ बॉस हमारी इकोनॉमी में पिछले 8-9 महीने में, ठीक है। वेयर एज योर बजट, योर यूनियन बजट इज एसेंशली अ प्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइज, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स रिवाइज एस्टिमेट, से हम रिव्यू भी कर लेते हैं वो सारी चीज़ें और एक्चुअल से पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी कर लेते हैं, बट स्टिल वी इट इज जनरली अ प्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइज। सो इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डोंट कन्फ्यूज गेट कन्फ्यूज गाइज। सो ये हम वॉल्यूम वन के ये दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। देन वॉल्यूम टू का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज ऑलवेज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर फिस्कल डेवलपमेंट्स आते हैं। देन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर एक्सटर्नल सेक्टर है, बट एज अगेन यहां पर एक्सटर्नल सेक्टर में ये पेज नंबर्स जो हैं वो गलत मेंशन है, सो आई हैव मेंशन टू करेक्ट दीज पेज नंबर्स। देन एक और चीज है गाइज, ये जो है इफ यू सी दिस इज अ स्पेशल चैप्टर बिकॉज ये जो चैप्टर है ये लास्ट इकोनॉमिक सर्वे से, ये इकोनॉमिक सर्वे इफ यू सी दिस इज इकोनॉमिक सर्वे 1920। सो इकोनॉमिक सर्वे वी ये जो चैप्टर है ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे का है, ठीक है, और उसमें एक चैप्टर था जिस जो बेसिकली गोल्डन जुबली ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में बात कर रहे थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969 में शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट बैंक्स को कह दिया था कि ये अभी सरकारी बैंक्स हैं, इनको नेशनलाइज कर दिया। ये यूजुअली सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर होता है जहाँ पर आप, और उस टाइम पे हम एक सोशलिस्ट फेज से गुजर रहे थे। सो द इशू हेयर वॉज दैट 1969 के अंदर हमने पहली बार इंदिरा गांधी ने ना थोड़ा सोशलिस्टिक पॉलिसीज का फ्लेवर देना शुरू किया इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो उन्होंने जो कुछ प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया, ठीक है, और ये बहुत कॉमन होता है सोशलिस्टिक कंट्रीज के अंदर भी, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला क्यूबा, ठीक है, कि आप प्राइवेटली ओन चीज़ है उसको आप कह देते हो कि नहीं अब ये सरकार की चीज़ हो गई, ठीक है, उसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। सो नेशनलाइजेशन स्टार्टेड ऑफ बैंक्स हैपेंड इन 1969 एंड 2019 वॉज द ईयर वेन 50 ईयर्स हैड पास बाय। सो गोल्डन जुबली थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की। सो दिस चैप्टर इज अ रिव्यू ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, हमारे बैंक्स की क्या 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 इस वक्त पोजीशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की,
इन्हीं बैंक्स को आज की डेट में हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं. कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक? SBI. ठीक है गाइस, टुडे गो एंड चेक हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर आफ्टर कंसोलिडेशन. ठीक, देयर अराउंड 12-13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स. यू शुड नो द नेम्स ऑफ देम एंड फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू शुड ऑल्सो नो कि कौन सा बैंक किस बैंक में मर्ज किया था. ठीक है, सो यू शुड हैव दैट इन्फॉर्मेशन विद यू. देन नाउ वाई इज दिस चैप्टर रिटेन्ड इन दिस ईयर्स सिलेबस एज वेल? बिकॉज ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ दीज बैंक्स आर लॉस मेकिंग बैंक्स. ठीक है, वी आई मीन इसके अंदर शायद से मेंशन नहीं है इस चैप्टर के, क्योंकि बहुत करंट डेटा है दैट पिछले 7-8 सालों में 800,000 करोड़ रुपया सरकार ने इन 800,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन जो है इनका वेस्ट किया है. मतलब पीपल हैव नॉट पेड अप देयर लोन्स. ठीक है, तो इनका जो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विच अल्टीमेटली बिकेम क्या कहते हैं विच डिड नॉट रिटर्न गिव यू एनी रिटर्न. ठीक है, तो उनको लॉस जो डिक्लेयर किया गया है वो 800,000 करोड़ का है. 800,000 एंड देन 10^7 करोड़. ठीक है, इतने करोड़ का इन्होंने पिछले 7-8 सालों में राइट ऑफ, उसको बोलते हैं राइट ऑफ, लोन का राइट ऑफ करना. बेसिकली आपके बुक्स पे ये एसेट्स थे, लोगों ने आपसे पैसा लिया और पैसा आपको वापस नहीं कर रहे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किंग फिशर का मालिक हो गया, या फिर ये हो गया आपके जो सुपर टेक हो गया नोएडा में, जो बिल्डर्स हैं JP सुपर टेक, ये सारे जो लोग हैं. तो इन्होंने बैंक से पैसा उठाया और अब इनको ये बैंकक्रप्ट हो गए हैं और ये पैसा नहीं वापस कर रहे हैं. तो ये जो राइट ऑफ बैड बैंक्स की भी बात हो रही है यहाँ पर शिवानी, कि बैड बैंक्स की हम बात कर रहे हैं कि ये जो सारा जितने भी NPAs हैं उसके लिए एक अलग से बैंक लिया जाए, एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए. इट विल बी समथिंग लाइक एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. नाउ अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस आई वाज अ पब्लिक सेक्टर बैंकर. एंड एक बैंकर के व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ कि एक पब्लिक सेक्टर बैंकर आई यूज टू ऑपरेट दी ODI अकाउंट्स एज वेल. मैं करंट अकाउंट्स भी मैनेज करता था वहाँ पर, मैं फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन भी देखता था अपने ब्रांच का पूरा. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट एट टाइम्स आई वॉज ऑल्सो सेंड फॉर लोन रिकवरी. ठीक है, लोन रिकवरी के लिए भी मैं जा रहा हूँ कई बार. तो एक बैंकर क्या क्या करेगा? बैंकर लोन भी आपका देगा, फिर उसका बैंकर से आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपका आपका बैलेंस भी बता दे, आपको कैश का ट्रांजेक्शन भी कर दे, एंड एंड में आप उस बैंकर को भेज रहे हो कि अच्छा आप जाके लोन्स की रिकवरी भी करो. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस. यस गाइस, सो ये सारे इश्यूज जो हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्लेग्ड हैं, और इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी आइडिया लग गया है कि बॉस ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम और नहीं अपने बर्डन पे रख सकते. ठीक है, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचना शुरू कर रही है. ठीक है, जो एटलीस्ट लॉस मेकिंग बैंक्स है. इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम प्राइवेटाइज करेंगे. तो अभी वो डिसाइड नहीं हुआ, वो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, बट प्राइवेटाइजेशन इन इट सेल्फ इज अ ह्यूज पॉलिटिकल टास्क. ठीक है, यस. Can I ask you a question related to this? Yes, go ahead. Sir, जैसे पहले बात तो जब नेशनलाइजेशन हुई थी तब हमने नेशनलाइजेशन करी इसलिए थी बिकॉज सोशली वेलफेयर नहीं हो रहा था. और अब भी अगर कोई भी प्राइवेट बैंक लॉस में चले जाता है तो उसको रिकवर पब्लिक सेक्टर बैंक से ही करा जाता है. बट अगर अब हम प्राइवेटाइज कर देंगे बैंक्स को तो फिर क्या होगा? अगर एक बैंक लॉस में चला गया फिर क्या करेंगे? तो लॉस में चला गया तो उस केस में या तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस बैंक को डूबने दें. देखो, सबसे पहले तो RBI का ओवरसाइट होता है बैंक्स के ऊपर. ठीक है, तो RBI कोशिश करता है कि सारे बैंक्स को सारे बैंक्स की रिपोर्टिंग जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, कितना आप लोन दे रहे हो, किसको आप लोन दे रहे हो. तो ये अल्टीमेटली कोई बैंक जो है वो कब डूबेगा? कि जब उसने लोगों को जिनको लोन दिया है वो वापस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, या लंबे टेन्योर के लिए लोन दे दिया, किसी को आपने लोन दे दिया 30 साल के लिए. ठीक है, बट जो आपके पास पैसा रख रहा है वो आपके लिए 5 साल के लिए पैसा रख रहा है, तो वहाँ पर एसेट का लिक्विडिटी का मिसमैनेजमेंट हो सकता है, या फिर जिनको आपने लोन दिया वो आपको वापस नहीं कर रहे हैं पैसा. ठीक है, सो दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस यू कैन हैव अ बैंकरप्सी ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक. एंड देर आर बीन इंस्टेंसेज इन द पास्ट वेयर अ लॉट ऑफ
these public these private sector banks have gone belly up, whereby they have said that boss I can't cannot pay. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल बैंक होता था जो अर्ली 2000s में डूब गया था. ठीक है, तो यूजुअली आरबीआई की क्या अप्रोच रही है कि अच्छा आप किसी क्योंकि हम अगेन एज यू राइटली सेड कि हम सोशलिस्टिक हमारा एक पैटर्न भी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कह दें कि नहीं भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वे आर नॉट लाइक यूएस कि नहीं बॉस शाल नहीं, आई कम टू दैट क्वेश्चन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, दे आर नॉट द सेम, वन इज द सबसेट ऑफ अनदर. सो वेन वी से दैट योर योर बैंक्स अगर किसी कोई बैंक फेल कर रहा है तो हम उस इंस्टीट्यूशन को फेल नहीं होने देंगे. तो हम कहते हैं कि अच्छा कोई पब्लिक सेक्टर बैंक उठाते हैं, किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक को बोलते हैं कि अच्छा यार ये आप ये बैंकिंग ऑपरेशन संभाल लो. जैसे रिसेंटली क्या हुआ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डूब गया. ठीक है, बिकॉज दे हैड गिवन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन्स टू दीवान हाउसिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी हुआ था उस केस के अंदर. सो जब वो डूब गया तो अल्टीमेटली कुछ कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बोला कि अच्छा आप आके इसको खरीद लो और फिर आप इनको मैनेज करो. तो फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक आके खरीद लेता है, फिर वो देखेगा कि अच्छा किस तरीके से जिनको जिनका पैसा ड्यू है उनको वापस देना है. नहीं तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि यू कैन से दैट अच्छा बॉस बैंक डूब गया है, बट हर एक बैंक में जिस बंदे ने भी पैसा रखा है 1 लाख रुपये तक का डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी होता है. ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए थे और वो बैंक डूब जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस इंश्योरेंस, तो हर हर अकाउंट पे एक इंश्योरेंस होता है 1 लाख रुपए तक का. ठीक है, जिसको डिपॉजिट गारंटी फंड से बोला जाता है, तो वो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे. बट सपोज आपने 50 लाख रुपए रखे हुए हैं तब भी आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेगा. बट यूजली ऐसी कंडीशन आती नहीं है क्योंकि कोई ना कोई बैंक उसको खरीद लेता है, कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको खरीद लेता है. सो दिस इज वॉट यूजली हैपन्स. Therefore, but again, regulation in case of private sector banks are much, much more efficient क्योंकि private sector bank जो है ज़्यादा वो profit देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि मैं किसी को बेकार तरीके से लोन ना दूँ. If you see NPA का problem, जो लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो किसका पैसा नहीं दिया, usually public sector banks का पैसा नहीं दिया. Private sector banks, for example, HDFC, you try to fool HDFC, और जितने भी ये real estate के वो थे स्कैम्स थे, मेजरली इट्स बिकॉज ऑफ HDFC ड्यू डिलीजेंस. HDFC का जो लोन प्रोसेसिंग का जो तरीका है इट्स वेरी रोबस्ट. ठीक है, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट एनालिटिक्स, जो उनकी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा क्रेडिट एनालिटिक्स देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा किसको पैसा देना चाहिए और किसको पैसा नहीं देना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कम होती हैं. सर बट NPAs तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वजह से भी होते हैं क्योंकि वो जब ऐसे पॉलिटिकल वो शुरू कर देते हैं कि अभी इतने फार्मर्स के लोन्स, नहीं उसको NPA नहीं बोलते पार्थवी, उसको NPA नहीं बोलते उसको, तो बेसिकली लोन वेवर है. तो वो जो लोन वेवर है वो तो सीधा अगर बैंक ने पैसा 1000 करोड़ किसी अगर फार्मर्स को दिया और अब फार्मर और अब सरकार कह रही है कि अच्छा बॉस 1000 करोड़ देने की जरूरत नहीं है वापस, फार्मर्स को कह रही है, तो वो फिर पैसा कौन भरेगा, फिर वो सरकार बैंक को देगी. नहीं सर वो नहीं, अब सपोज करो आपका ऐसे लोन वेव हो गया था, आपने पे नहीं करा, अगली बार अगर मैंने आपसे पहले लोन पे कर दिया था अपना, ऑब्वियसली अगर अगली बार मैं लोन लूंगी आई विल बी डीमोटिवेटेड टू पे इट बैक कि मुझे पता है गवर्नमेंट तो या हाँ तो ये तो रहता ही है कि यूजली इनफैक्ट आई हैड शेयर्ड आर्टिकल 3-4 दिन पहले एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स पे जिसमें मुद्रा लोन्स के बारे में बात हुई थी. मुद्रा लोन्स में हो ही रहा है, मुद्रा एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी आज से 4-5 साल पहले, और उस स्कीम में अराउंड अराउंड 14-15% जो है वो सारे के सारे NPA हो रहे हैं. कि आप छोटे छोटे बोरोवर्स को बोल रहे हो कि अच्छा आप बोरो कर लो और आपको सिक्योरिटी देने की भी जरूरत नहीं है, आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो विदाउट सिक्योरिटी. यूजली आपको अगर लोन लेना तो सिक्योरिटी रखनी होती है, जिसको हम कोलेटरल बोलते हैं. तो इट्स विदाउट कोलेटरल लोन एंड बैंक्स ने ये लोन दे दिए क्योंकि हर बैंकर के पास टारगेट होता है कि अच्छा मुझे इतना इतना लोन बुक दिखाना है कि मैंने इतने लोन फॉरवर्ड किए, मैंने इतने लोन क्रिएट किए हैं. बट अल्टीमेटली बैंक लोन तो बांट रहा है, इसको लोन मेला बोलते हैं, बैंक्स ने लोन मेला लगा दिया है, बट बैंक्स उसको रिकवरी नहीं कर पा रहा. किस किस के पीछे जाके रिकवर करेगा कि अच्छा कहाँ कहाँ से किस किस ने पैसा लिया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज़्यादा होता है. कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्यों ज़्यादा होता है कि सपोज जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं इलाहाबाद बैंक में था,
तो सपोज मेरे ब्रांच के हेड के पास या डीजीएम के पास जो जनरल मैनेजर उसके पास फ़ोन आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि बॉस विजय माल्या जो है उसको लोन देना है एंड आप उसको लोन दोगे, ठीक है, तो एक ब्रांच मैनेजर जो है उसके उसकी थोड़ी ना पावर है कि वो मना कर दे फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि नहीं बॉस मैं नहीं लोन दूंगा क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ऑल्सो पोलिटिकल टूल्स वेयर बाय दे हैव पोलिटिकल इन्फ्लुएंसेस कि कोई पोलिटिकल या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई इंस्ट्रक्शन आ जाता है एंड लोन देना पड़ जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द पर्सन क्वालिफाइज फॉर दैट लोन और नॉट। सो ये पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉब्लम आती है इन जनरल, ठीक है, बट आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट डिस्कशन, आज बहुत सारा और डिस्कशन करना है। सो बट आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर योर डाउट। यस सर। ठीक है, ग्रेट। सर यस यस दीक्षा, मिस्टर लोन दिलवाने से पहले कोई ना कोई गारंटी होगा ना? क्या क्या दीक्षा फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज़ कट गई थी। जैसे कि आपने बोला सर, मैं ये कह रही हूँ कि फाइनेंशियल मिनिस्टर अगर कभी भी किसी को भी लोन दिलवाता है तो उसे गारंटी को मांगता ही होगा ना? हाँ, बट गारंटी कई बार होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने लोन ले लिया, ठीक है, आपने लोन ले लिया एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, आपके पास उतने एसेट्स नहीं थे, ठीक है, उसको दिखाने के लिए आपके पास एसेट था 1,000 करोड़ का, बट आपने लोन उसके बेसिस के ऊपर आपने ले लिया 10,000 करोड़ का, और फिर आपने उस पैसे को उठा के वहाँ से आपने जो प्रोजेक्ट आपने सपोज मैंने कहा था कि मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है, मेरे पास 1,000 करोड़ का मेरे पास मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 10,000 करोड़ का मुझे लोन दे दो, बट मैंने क्या किया 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए की पार्टी कर ली, ठीक है, उससे मैं फार्मूला वन की एक टीम खरीद रहा हूँ, जो विजय माल्या का केस बता रहा हूँ, उससे मैं फार्मूला वन की टीम खरीद रहा हूँ, उससे मैं किंग फिशर कैलेंडर बना रहा हूँ, क्या कहते हैं मॉडल्स को ला ला के, उससे मैं पार्टीज थ्रो कर रहा हूँ अपने बर्थडे की जिसपे अवीची आ रहा है गाना गाने के लिए, ठीक है। सो ये सब जब चीज़ें हो रही है तो दिस इज वॉट आपने राउटिंग कर दी ना फंड्स की, आपने कहा कि मैं बिजनेस के लिए फंड्स लूंगा और उसमें भी आपने पॉलिटिकल प्रेशर दिलवाया और उसके बाद आपने वो पैसा यूज कर लिया किसी और पर्पस के लिए, और यही एग्जैक्टली विजय माल्या ने किया था। विजय माल्या गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड ही वाज एन एमपी एज वेल एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, तो सोचो उसका पॉलिटिकल वो कितना होगा, और सोचो वो जब गवर्नमेंट सब कुछ डिक्लेयर हो गया है कि बॉस ये बंदे के पास पैसे नहीं है तब भी वो इतना पॉलिटिकल उसके पास क्लाउट है कि वो जाके लंदन में जाके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं यू कैन सी कि यहाँ पर वो नेक्सस है बिटवीन द पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स एंड द बैंकर्स, ठीक है। तो और इसीलिए आई वॉज आस्किंग यू टू वॉच दैट सीरीज इंडियाज बैड बॉय बिलियनियर्स, ठीक है, इट हैज 3 एपिसोड्स, वॉच ऑल दीज 3 एपिसोड्स, वन ऑफ देम इज ऑन सहारा ग्रुप, द अदर वन इज ऑन मेहुल चौकसी एंड द थर्ड वन इज ऑन दिस गाय विजय माल्या। यस यस शिवानी, नहीं इट्स ऑन लाइक द सीरीज यू आर टेलिंग, इट्स ऑन लिंक्डइन, ओह सॉरी लिंक्डइन बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स के भाई नेटफ्लिक्स। यस दीक्षा सर, सो इज देयर नो वन टू चेक और रेगुलेट द थिंग्स, मतलब अगर आप लोन ले लेते हो इतना ह्यूज अमाउंट में तो कोई ऐसे कोई रेगुलेशंस नहीं है या कोई ऐसे चेक करने के लिए नहीं कि हाउ यू आर यूजिंग द मनी, एंड मतलब either there are many loopholes in the system as well and आप use कर सकते हैं तो huge amount of money अब कैसे वो भी? अब हम वो loopholes हमने देखे वो सारे loopholes और उसके बाद yes bad boy billionaires या सो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद RBI ने ये सब कुछ जो है इस सारे सिस्टम को, रघुराम राजन हमारे इससे पहले वो थे लास्ट टू लास्ट RBI गवर्नर, उन्होंने आके काफ़ी सारी चीज़ें ठीक करी, ये सब कुछ पता भी तभी चला था रघुराम राजन के अंडर पता चला था, ही रैन समथिंग कॉल्ड 2014 में एसेट क्वालिटी रिव्यू, सारे बैंक्स को बोला कि बॉस अपने एसेट्स देखो और देखो कौन आपको लोन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, तब जाके पता चला था कि अच्छा इतने सारे लोगों ने तो लोन ही नहीं दे रखा, ठीक है, तो छुपा के रखा हुआ था बैंक्स ने, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने छुपा के रखा हुआ था कि NPA की नहीं है हमारे पास, जबकि NPA था। तो अब धीरे धीरे जो ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं ये काफ़ी स्ट्रांग होने शुरू हो गए हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके पीछे पड़ जाता है एकदम से कि इमीजिएटली आप अपने आपके एसेट्स बिक जाएंगे, तो यू हैव समथिंग कॉल्ड IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, अगर आप नहीं पे करोगे तो उस कंपनी को इंसॉल्वेंट क्लियर करके विद इन 270 डेज, ये BCom वालों को आइडिया लगेगा आगे जाके, विद इन 270 डेज यू योर एसेट्स विल बी सोल्ड ऑफ एंड योर क्रेडिटर्स विल बी पेड ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आनी शुरू हुई हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट अगेन आई थिंक मतलब ये तो बहुत बड़ी डिस्कशन है चीज़ों के अंदर कि कहाँ हम चले जाएंगे और क्या क्या हुआ और कैसे गवर्नमेंट ने
और आरबीआई ने बहुत सारे नॉर्म्स रखे हैं सो दैट रीराउटिंग ऑफ फंड्स ना हो कि आप एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह पे ना लगा पाओ. तो इन सारी चीज़ों से हमने सीखा है, ठीक है. और ये वर्ल्ड वाइड ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड थी, उसकी वजह से देर आर समथिंग कॉल्ड बेजल नॉर्म्स, ठीक है. पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, यू शुड नो दीज नॉर्म्स. बेजल 3 नॉर्म्स आज की डेट में वर्ल्ड में एप्लीकेबल हैं, ठीक है. ये अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हर बैंक को फॉलो करना होता है, ठीक है. तो बेजल नॉर्म, बेजल इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड, ठीक है. सो यहाँ पर ये डिसाइड होते हैं कि नॉर्म्स क्या होने चाहिए, बैंक्स के पास कितना एसेट अपने खुद का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें डिसाइड होती हैं इस नॉर्म्स में, ठीक है. चलो लेट्स कम बैक टू द सिलेबस गाइस, लेट्स कम बैक टू द सिलेबस. हम थोड़ा भावनाओं में बह के बहुत ज़्यादा आगे चले गए इस उसके अंदर. बट एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना प्रॉफिट देखेगा. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होगा बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विल बी मच मोर ऑन इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस. इसीलिए हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं कई 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 सारे बैंक्स को, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेगा कि यार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तुम कौन हो भैया अगर मुझे लोन दे. अगर फॉर एग्जाम्पल आप HDFC के पास जाते हो और कहते हो HDFC के साथ फ्रॉड क्यों नहीं हुआ ये चीज़, क्योंकि HDFC कहता है, आदित्य पुरी इज दी हेड, वो कहता है कि बॉस अगर कोई बंदा लोन के लिए क्वालिफाई होगा तभी मैं लोन दूंगा, और मैं बहुत तरीके से देखूंगा कि उसका लोन क्यों कितना होना चाहिए, उसका प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उसके प्रोजेक्ट के सारे क्लियरेंसेज मिले हुए हैं नहीं मिले हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड कि अभी रिसेंटली नोएडा में एक टावर है सुपर टेक का, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया दैट दोस टू टावर्स विल बी डिमोलिश नाउ. क्यों? क्योंकि उसके पास क्लियरेंसेज ही नहीं थे. विदाउट क्लियरेंसेज आपने पूरे के पूरे टावर बना दिए, ठीक है, सुपर टेक ने. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जो बैंकर्स हैं वो भी नहीं देख रहे कि भैया कि इनके पास परमिशंस हैं या नहीं है. आप जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो नहीं देख रही कि इनके पास परमिशंस हैं या नहीं है. तो आप बिना ये सारी चीज़ें, बिना ड्यू डिलीजेंस की आप काम कर रहे हो. बट प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अकाउंटेबिलिटी नॉट जस्ट टू द मार्केट, नॉट जस्ट टू द ओनर, बट ऑल्सो इन जनरल. अगर प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में रहना है, दिस इज अ वेरी नीश बिजनेस एंड दिस इज अ डे टू डे बिजनेस जहाँ पर आपको बहुत शार्प रहना पड़ेगा. एंड दिस पब्लिक सेक्टर बैंकर्स आर नॉट शार्प इनफ टू दैट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस इज, बट उनका वो मोटिवेशन नहीं है जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स का है. तो ये एक इशू है. नाउ लेट्स कम बैक टू द सिलेबस गाइस, दिस इज द फोर्थ रीडिंग दैट यू विल डू. तो हमारे पास कौन कौन सी रीडिंग होगी? हमारे पास ये 4 चैप्टर्स होंगे इकोनॉमिक सर्वे से, एंड ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, सातवा, आठवा. दीज 8 चैप्टर्स वी विल डू फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. इनके कुछ पेजेस होंगे विच विल कम ऑन लेटर, कि वो पता चल जाएगा 2 दिन में कि कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है. ऑल ऑफ दिस BA प्रोग्राम गाइज मैम विल बी कवरिंग अप विद यू. आई एम नॉट येट कवर्ड एनी पार्ट ऑफ इट. देन यूनियन बजट, ये थर्ड पार्ट है सिलेबस का हमारा. ये हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, जिसके अंदर हमने बजट एट अ ग्लांस देखा. आज मैं आपको इसका शाम को PDF भेज दूंगा, बजट एट अ ग्लांस का. ऑल दो मैंने आपको सारा PDF ऑलरेडी दिखाया हुआ है, आई शो इट टू यू टुडे एज वेल, कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं. हमने बस ये हाईलाइट्स को देखना है, हाईलाइट्स ऑफ दिस ईयर्स बजट हमने ये देखना है, ठीक है. ये नहीं करा हुआ. सो फॉर BA प्रोग्राम गाइज ये मैम आपको कराएंगे हाईलाइट्स ऑफ दिस ईयर. सो दैट्स वाई द सिस्टम हैंग्स अ लॉट. नाउ उसके बाद तो ये हमारी चीज़ जो है ये अभी रहती है, विच विल बी डन BA प्रोग्राम गाइज, विच मैम विल डू. बाकी हम रिसीट्स देख चुके हैं, हम एक्सपेंडिचर देख चुके हैं, हम बजट प्रोफाइल देख चुके हैं, हम की फीचर्स ऑफ द बजट, ये भी हमने नहीं करा हुआ की फीचर्स. और ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, की फीचर्स ऑफ द बजट क्या है एंड हाईलाइट्स ऑफ द बजट क्या है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ हैं, ठीक है. इफ़ यू सी दी लिंक ऑल्सो, ये लिंक भी सेम ही है, ये लिंक भी दोनों के सेम है, ठीक है. दोनों सेम चीज़ें हैं. सो वेदर यू टॉक अबाउट सी और जी, इनफैक्ट दिस इनमें से एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए थे. आई मेक दैट चेंज एज वेल. सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड आई विल शो इट टू यू दैट ये हमने पूरा डॉक्यूमेंट कर लिया है.
और ये भी करने के, ये सिर्फ वेबसाइट का एड्रेस है कि कौन कौन से बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो दिस इज नथिंग, ठीक है, की टू बजट डॉक्यूमेंट्स ये हम पूरा कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर सी और जी, ये हमने नहीं किया. हमने न्यूमेरिकल के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी, एंड द अदर थिंग इज 3.3, ये हमने नहीं किया हुआ. सो बी ए प्रोग्राम गाइज, दिस इज समथिंग दैट मैम विल कवर, दिस इज येट टू बी डन. 3.3 एंड 3.2.G, 3.2G एंड 3.3 करना है इस सेक्शन से, बाकी सारा हम कर चुके हैं, ठीक है. तो आई टोल्ड यू गाइज कि हमने कोर्स कितना कर लिया, हमने ये 10 लेक्चर्स का कोर्स कर लिया है, और यहाँ पर हमने अगर आप ये वाला कोर्स आधा मान लो तो हमने यहाँ 5 लेक्चर्स, तो हमने 15 लेक्चर्स का ऑलरेडी कोर्स ख़त्म कर लिया है अपना, ठीक है. लेट मी शो यू ऑल ऑफ दिस नाउ एंड क्विकली गो थ्रू आर ईच ऑफ दिस PDFs टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ अस बजट प्रोफाइल इंक्लूड. क्विक मूव बजट प्रोफाइल क्या मतलब हुआ पूजा, इसका क्या, व्हाट यू ट्राइंग टू से, बजट प्रोफाइल इंक्लूड? शिवानी तुमसे नहीं बात कर रहा, मैं पूजा से बात कर रहा हूँ. फर्स्ट क्लास क्लास अच्छा 3.2G, हाँ ये हमने नहीं किया हुआ है. ये सेम चीज़ है, चाहे आप की फीचर्स की बात में बात करो या हाइलाइट्स के बारे में बात करो, इसके अंदर बस इस साल के बजट में क्या क्या हुआ है उसका एक वो है, ठीक है. तो वो अभी हमने कवर नहीं किया हुआ. सो अश्वरा मैम विल बी कवरिंग इट फॉर द बीए प्रोग्राम गाइस. एक्सक्यूज मी सर. यस पूजा. सर आई एम आस्किंग अबाउट 3.2F, दैट इज बजट प्रोफाइल. अच्छा बजट प्रोफाइल, अच्छा वी आर डन विद इट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस? मैं दिखा देता हूं, होल्ड ऑन. बजट प्रोफाइल में सिर्फ एक पेज है, वो ये पेज है. हमने देखा था ना गाइस कि बजट में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसका सिर्फ डायग्राम है. यस सर. बस सेम चीज है. ओके सर. उस लिंक को क्लिक कर लो ना. बेस्ट थिंग इज कि उस लिंक को क्लिक करके देख लो कि हमने करा हुआ है कि नहीं करा हुआ. दैट्स इट. ओके सर, थैंक यू. तो ये सारे इसीलिए वी हैव पुट ऑन ऑल द लिंक्स. पूरे सिलेबस में सिर्फ एक चीज का आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, विच इज दिस, ये अमृता ढिलन एंड का जो आर्टिकल है वो नहीं है. मेरे पास इसका फोटोकॉपी होता था जो मैं यूजुअली सर्कुलेट करता था, बट व्हाट आई डू इज आई एम इन टच विद प्रोफेसर ढिलन एज वेल, सो आई विल आस्क हर फॉर द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द नोट्स, ठीक है. लिंक्डइन पे शी इज देयर, सो आई विल आस्क हर फॉर द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द नोट्स एंड प्रॉब्ली आई कैन शेयर विद यू द ओरिजिनल PDF रादर देन द फोटोकॉपी PDF, ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली सी दिस गाइज, लेट्स क्विकली सी all these documents. Okay, एक बार ये documents देख लेते हैं. देखो topic 1.1. This is the first document that I have sent. Topic 1.1. हमने have we talked about capital receipts and have we talked about capital receipts and these receipts, revenue receipts? ठीक है. Yes sir. एक और definition add कर लेना guys. Capital receipts जो है Are those which lead to reduction in asset. Reduction in asset कैसे होता है guys? Why is it saying reduction in asset? कैसे होगा reduction in asset? Because we do either privatization or disinvestment. Privatization या disinvestment. तो उससे आप क्या कर रहे हो? आप अपना asset बेच रहे हो. What kind of receipts are these guys? Non-recurring. नहीं, कुछ और टर्म, टेक्निकल टर्म पूछ रहा हूँ मैं. Non-debt making receipts. ठीक है, यही लिखा है ना. देखो capital receipts leading to reduction in the assets, reduction in assets, recoveries of loans जैसे हो गया, all of this is non-debt receipts. And एक तो ये हो गया कि रिडक्शन इन एसेट. दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है इट कैन ऑल्सो कैपिटल रिसीट. और कैसे हो सकता है? व्हेन इट इंक्रीजेस द लायबिलिटी. लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी गाइस? बोरोइंग्स इंक्रीज होगी. सो कैपिटल रिसीट्स की ये डेफिनेशन होती है दैट इट. यस चांदनी,
ठीक है, मैं अभी डिसइन्वेस्टमेंट इसके एंड में अब डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट क्विकली सो दैट वी फिनिश अप अ मेजर चंक ऑफ द कॉस्ट। नाउ सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो लाइबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी अगर आप बोरो करोगे, एंड इसी को हम बोलते हैं डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स। वॉट इज द अदर नेम ऑफ दिस? Fiscal deficit. Fiscal deficit. This is also called as fiscal deficit. ठीक है, so ये हमारा overall capital side हो गया। ठीक है, the revenue receipts के बारे में हम जानते हैं कि recurring होती है, but the other part of the definition is that they do not affect asset liability position of the company. इसका asset liability से कोई relation नहीं होता, क्योंकि इससे आपके पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, तो वही डिवीजन है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इट लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एसेट्स। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एसेट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रिज बनाया, स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाया, ऑल ऑफ दीज इज बेसिकली क्रिएटिंग एसेट। या फिर आपने किसी को लोन भी दिया। रिमेंबर गाइस, जब आप किसी को लोन देते हो तो आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट होता है रादर देन लायबिलिटी। श्वेता, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? डिक्रीज इन लायबिलिटीज। यस, एग्जैक्टली। तो रिडक्शन इन लायबिलिटीज वो दूसरा पार्ट है, बट आप जब कहते हो कि अब आप इंक्रीज इन एसेट्स बोल रहे हो, तो बेसिकली आप चीजें बना रहे हो, वो आपकी कंट्री के लिए एसेट बन गया। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर लीड टू इंक्रीज इन एसेट्स। एक और एग्जाम्पल इसका हो गया, जैसा आपने राफेल प्लेन खरीदा, that is a capital asset for the country. Similarly, then it can also, ek aur tarika kya hai, capital expenditure. Capital expenditure, ya to it will lead to increase in asset, ya phir it will lead to decrease in liability. For example, government of India ne apne loan wapas pay kar diye, to liability khatam ho gayi uski. So repayment of loans of the principal amount. सो ये अगेन एसेट और लाइबिलिटी से रिलेशन है, तो ध्यान रखना आपका कैपिटल अकाउंट एसेट और लाइबिलिटी को चेंज करता है कंट्री की, ठीक है, या गवर्नमेंट की। वेयर एज इसकी वजह से भी कोई एसेट या लाइबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डन ऑन दीज आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, फू हमने सब्सिडी के बारे में बात करी थी, हमने सैलरीज के बारे में बात करी थी, हमने हमने ग्रांट सेनेट के बारे में बात करी थी। ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमने ये चीज तीन चीजें भी देखी थी। हमने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में बात करी थी गाइस, रिमेंबर? ये कौन सी स्कीम्स हैं, कौन सी लिस्ट पे होती हैं ये? यूनियन लिस्ट पे। ठीक है, यूनियन लिस्ट पे जो स्कीम्स बनी हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स किस पे बनती हैं? स्टेट लिस्ट पे बनती है, और इनके तीन यूजुअली फ्लेवर्स होते हैं, कोर ऑफ कोर एंड ऑप्शन। कोर ऑफ कोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 75-25 होता है, कोर का 60-40 होता है, एंड ऑप्शनल का 50-50। ठीक है, 50-50, ग्रेट। सो ये हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, और स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स तो फॉर एग्जाम्पल वो पर्टिकुलर स्टेट ही रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आम आदमी पार्टी जो है मोहल्ला क्लिनिक चलाती है, ठीक है, सो दैट्स अ स्टेट इनिशिएटिव, तो उसका पैसा तो वो स्टेट ही देगी। द नेक्स्ट थिंग इज फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमने ऑलरेडी देख लिया है, बजट एस्टिमेट्स एंड रिवाइज एस्टिमेट्स हमें ऑलरेडी पता है, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू हमें ऑलरेडी पता है, डायरेक्ट टैक्सेस हमने पता करा था, इंसिडेंस एंड अनबर्डन विल बी ऑन द सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्सेस द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, देन कम्स ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करी थी, लेट्स डिटेल ऑन इट अ लिटिल मोर। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ी बहुत चेंजेस हो गए थे बिकॉज ऑफ द GST, इंट्रोडक्शन ऑफ GST थ्रू 101st अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बार पॉलिटिकल साइंस वाले प्रॉब्ली बेटर बता पाएंगे। 101st है गाइज, हाँ, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से GST आया है। ठीक है, तो कुछ टैक्सेस वो हैं जो सेंटर लगाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, व्हेन वी से पर्सनल वी बेसिकली मीन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज। ठीक है,
कस्टम ड्यूटीज बेसिकली होती हैं कि अगर आपको देश से बाहर कुछ बेचना है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, ठीक है। इट्स और एक्साइज, तो देश से बाहर निकालने के लिए या आने के लिए कस्टम ड्यूटीज लगती है, और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी होती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है, प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगता है, बट डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर होता है, कंज्यूम जो हो रही होती है आइटम वो डोमेस्टिकली हो रही होती है कंट्री के अंदर ही, ठीक है। बट दीज हैव बीन इनकोऑपरेटेड इनटू जीएसटी, बट कुछ आइटम्स पे अभी भी लगता है कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज। कौन सी वो आइटम्स होंगी गाइस? पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये आइटम्स वो हैं जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज और कस्टम्स लगता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्सेस लगाती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जो जीएसटी के अलावा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू कि ये देखो ये दिख रहा है ना, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, तो स्टेट इन पे भी टैक्स लगाती है, क्योंकि यूजुअली स्टेट्स का अराउंड हाफ ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, यूजुअल नॉर्मल स्टेट के लिए हाफ ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज टू सोर्सेज, ठीक है। देन आपने देखा होगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी बेच रहे हो या फिर आप अपने किसी को लीज पे दे रहे हो प्रॉपर्टी, तो उस पर आप स्टैम्प पेपर पे वो चीज़ करवाते हैं, तो वो स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्जेस होते हैं वो भी स्टेट के पास जाते हैं। लैंड रेवेन्यू के जो चार्जेस होते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। एंड देन यू हैव एंटरटेनमेंट एंड अदर काइंड ऑफ टैक्सेस। देन व्हाट द मेजर, कौन सी एस्टेट्स भी हैं, बट यूजली बहुत कम अमाउंट आता है। लेट्स नॉट गेट इन टू वेरी स्मॉलर टॉपिक्स इज वेल और वेरी स्मॉलर थिंग्स। ऐसे ऑक्ट्राई भी होता है। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, आपने देखा है ऐसा एक कागज़ होता है नोटरी का और उसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होता है 10 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है, यहाँ पर एम्बलम अशोक का एम्बलम होता है, ठीक है, और यहाँ पर 10 रुपीज़ लिखा हुआ होता है इस तरीके से। तो ये जो पेपर होता है ये बेसिकली स्टैम्प पेपर होता है, ठीक है। ये आपने बेसिकली कह रहे हो कि ये सरकारी कागज़ है, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट पेपर है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट का पेपर है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको अथॉरिटेटिव करानी होती है कि अच्छा गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो, इसकी रजिस्ट्री हो, तो आप उसको स्टैम्प ड्यूटी का रजिस्टर कराते हो SDM के पास जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती हैं फॉर पोस्टल सर्विसेज। आई एम नॉट श्योर इफ दैट कम्स अंडर स्टैम्प ड्यूटी वाली स्टैम्प, डोंट कन्फ्यूज इट विद स्टैम्प्स, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट इज वैलिड, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, बट आई डोंट थिंक इट्स वैलिड कि वो स्टैम्प्स अलग हैं, ये स्टैम्प्स अलग हैं, ठीक है। तो ये जो पैसा जा रहा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा होता है। तो ये हमारे पास वो हैं। बट अब GST की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जो पहले लगते थे अलग से, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, वो सारे GST का पोर्शन हो गए। तो GST के अंदर यू विल सी आपके जो बिल्स होते हैं उसमें CGST होता है और SGST होता है, ठीक है। तो ये जो जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जब कॉलेज खुलेगा आप डिगिन पे जाओगे, तो जब डिगिन पे जाओगे तो आपका फूड बिल के आपके जो बिल होगा उसके ऊपर 5% GST लगा होगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2.5% CGST 2.5% SGST, ठीक है। सो दिस इज डन। एंड अगर इंटर स्टेट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स आ रहा तो उसके ऊपर IGST लगता है, ठीक है। वही करिश्मा मैं बता रहा हूँ, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होता है प्रोडक्ट तो उसके ऊपर IGST लगता है, इंटीग्रेटेड GST, एंड अगेन इट्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट IGST, आई हैड सेंट यू द वीडियो लिंक, लास्ट ईयर का मेरा वीडियो लिंक है, वो ई कॉमर्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके ऊपर उसके अंदर ये तीनों के तीनों एक्सप्लेन है, ठीक है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। देन कुछ टैक्सेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स लगाती हैं, ठीक है। कुछ फॉर एग्जांपल दिल्ली में MCD कुछ टैक्सेस लगाती है, या फिर आपने देखा गाइस अभी आपने रिसेंटली प्रॉपर्टी टैक्स पे किया होगा आपके पेरेंट्स ने, हैव यू नोटिस? अभी आजकल डेट आई हुई है 15 सितंबर तक, डिड एनीवन नोटिस? अपने पेरेंट्स से पूछना, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट, ठीक है। 15 सितंबर इज द डेट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स फाइलिंग, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो फाइलिंग होती है एरिया के ऊपर बेस्ड होता है। सो द प्रोडक्ट दैट इज टैक्स बाय CGST एंड IGST इंस्टेड ऑफ, Yes, Tanmay. Yes, that is true. Then,
अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव प्रॉपर्टी टैक्सेस, टैक्सेस ऑन मार्केट, ठीक है, रूरल एरियाज में एपीएमसी के भी टैक्सेस होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई अगर फार्मर जो है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मंडी के मंडी में ले जाता है प्रोडक्ट लेके, तो उसके ऊपर वहाँ पर भी टैक्सेस होते हैं. सिमिलरली वाटर सप्लाई का टैक्स जो होता है, बिजली का जो दिल्ली में तो प्राइवेटाइज है बट बिजली के जो बिल्स होते हैं वो सारा लोकल नहीं लोकल गवर्नमेंट नहीं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, सॉरी बिजली का. तो वाटर के चार्जेस हो जाते हैं. दिल्ली जल बोर्ड, अगर आपने सुना हो, सुना है दिल्ली जल बोर्ड? यस सर. ठीक है, ठीक है, पानी सारे लेते हैं दिल्ली में, दिल्ली में सारे पानी सारे लेते हैं बट पे कोई नहीं करता. ठीक है, तो दिल्ली जल बोर्ड का यह बुरा हाल आता है यहाँ पर. ठीक है, और ऐसे ही आपका प्रॉपर्टी टैक्सेस है. तो प्रॉपर्टी टैक्स में क्या होता है, आपका जितना एरिया आपने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, कितनी पुरानी आपकी लैंड है, किस एरिया किस रीजन में आप लाई करते हो. फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली में है तो पर स्क्वायर फुट जो है आपका प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा है, सेंट्रल दिल्ली में और ज़्यादा है, ईस्ट दिल्ली में कम है, वेस्ट दिल्ली में मीडियम पे है. तो किस लोकेशन में हो, कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है, कितना कितना एरिया है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी टैक्स आप क्या पे करें. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने ऑलरेडी बात करी हुई है, हम वी विल टॉक मोर अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू इन इन योर फिस्कल फेडरलिज्म क्लास. ये डेफिनेशंस आर कॉर्पोरेशन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज की, यू कैन रीड इट. एंड दीज आर द बजट डॉक्यूमेंट्स, दीज आर बेसिक बजट डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या होते हैं. समरी डॉक्यूमेंट्स तीन तरीके के होते हैं बजट. जब भी आप बजट देखोगे आई विल जस्ट शो इट टू यू. ठीक है, ये की टू बजट डॉक्यूमेंट्स है ना गाइस, इस पर आप क्लिक करोगे. ठीक है, ये इस साल की बजट, ये आपकी यूनियन बजट की वो है. तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है, की टू बजट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, बजट की हाईलाइट्स मिल जाएंगे, फाइनेंस, याद है मैंने आपको बताया था एक फाइनेंस बिल होता है, एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो आपको वो बिल्स मिल जाएंगे. तो हम इन सारी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. सो दिस इज़ दी वेबसाइट ऑफ योर बजट. तो यहाँ पर आपको बजट का बजट एट अ ग्लांस मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें, बजट एट अ ग्लांस, डेफिसिट, ये सारी चीज़ें जो है हमने जो पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पर हैं. बट बजट एट अ ग्लांस में सब कुछ होता है. सो इट्स दी सुपर सेट जिसके अंदर आपके पास सारी ये बजट एट अ ग्लांस भी है, डेफिसिट भी है, ट्रांसफर्स भी है, सब कुछ है. तो अगर आप बजट एट अ ग्लांस डाउनलोड कर लो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एंड ये की टू बजट डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो आपके पास ये खुल जाएगा कि बजट डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. सो दिस परहैप्स, ऑल्दो मैंने कुछ कुछ चीज़ें इसकी करा दी हैं, बट दिस परहैप्स माइट बी कवर्ड अप अगेन इन माई क्लासेस. सो आई विल ऑल्सो आस्क अश्वर्या मैम टू जस्ट गो थ्रू दिस. Although 90% of this is already covered because I have already explained you all of these items. ठीक है, but still for finishing up this properly, this might needs to be covered again. कुछ अगर item रह गई है तो वो छूटनी नहीं चाहिए. ठीक है, so this is what we need to do. तो budget speech होती है, budget at a glance होता है. ठीक है, and annual financial statement होती है. ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं. एज आई टोल्ड यू दैट देर इज नो टर्म कॉल्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वॉट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स. ठीक है, तो ये तीन समरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं. फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है, एक्सपेंडिचर बजट होता है, और डिमांड फॉर ग्रांट्स. ये याद है मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंडिचर के लिए जो बिल होता है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल. याद है मैंने बताया था? Yes, sir. तो अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है तो आप पैसा स्पेंड कर सकते हो. विदाउट दिस पासिंग यू कैन नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल रुपी. ठीक है, वी विल सी द टाइमलाइन ऑफ द बजट टुडे. आज हम टाइमलाइन ऑफ द बजट देखेंगे. ठीक है, कि वो क्या होता है, बट प्रोसेस जो है वो हमारा इसमें गिवन है. ये जो आपको अश्वर्या मैम कराएंगी इसके अंदर गिवन है कि क्या कैसे पासिंग का प्रोसेस. टाइमलाइन मैं आज बता दूंगा, बट प्रोसेस कैसे होता है. सबसे पहले वो डिमांड्स फॉर ग्रांट क्या है, उसके बाद उनकी वोटिंग कैसे होती है. एंड दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, पीपल स्पेशली हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी यू शुड नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी ऑफन आस्क्ड टॉपिक, दैट प्रिपरेशन ऑफ द बजट की वो पासिंग कैसे होती है, वोटिंग कैसे होती है, टाइप ऑफ कट्स, देयर समथिंग कॉल्ड टाइप ऑफ कट्स, तो वो कौन कौन से कट्स अप्लाई होते हैं यहाँ पर. सो ऑल ऑफ दैट यू नीड टू नो. देन उसके बाद रिसीट साइड पे हम रिसीट्स का बजट देखते हैं. हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करी भी है. ठीक है, कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, और हम कहते हैं उसको फाइनेंस बिल. याद है हमने कहा था कि जहाँ से आप पैसा रेज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस बिल. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस फाइनेंस बिल, एंड यू शुड नो दैट व्हाट दिस फाइनेंस बिल डज.
and there is something called memorandum of finance bill, which is basically telling you कि अच्छा कहाँ से पैसा रेज कर रहे हो और उसकी क्या implication है. That is called as memorandum of finance bill. To just explain it in English, then or Hindi. Then these are three new things. ठीक है, जब आप budget at a glance, जब आप वो देखोगे जो भी मैंने आपको document दिखाया था तो उसमें ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करी हुई है. ये FRBM documents हैं. What is FRBM? 2003 के अंदर हमने एक act introduce किया था, fiscal responsibility and budget management act 2003. ये हम act लेके आए थे. ठीक है, और क्योंकि ये act इसलिए था क्योंकि सरकार जो है एक limited amount of borrowing करे. ठीक है, आप limited amount of borrowing करो, जिसको हम जिसको fiscal deficit बोलते हैं. तो हम fiscal deficit and revenue deficit को control करने की कोशिश करते हैं, and उसके लिए हम ये FRBM लेके आए. और FRBM क्या बताता है? FRBM बेसिकली आपको तीन डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है, जो दिखा रहा है कि कैसे गवर्नमेंट की बोरोइंग कंट्रोल में रहेगी. ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट रहता है. ठीक है, जिसके अंदर हम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी बताते हैं कि अच्छा आने वाले 2-3 सालों में इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी. ठीक है, फिर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा डेफिसिट जो होगा नेक्स्ट 3 साल में कैसा होगा और टारगेट क्या होगा रेवेन्यू उसका. ठीक है, तो इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर रहे हो नेक्स्ट 3 इयर्स का होराइजन, कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम फिस्कल डेफिसिट कितना होगा और रेवेन्यू कहाँ से हम रेस करेंगे, उसके बारे में हम एक प्लानिंग चला निकाल के रखते हैं कि अच्छा इस तरीके से हम प्लान करेंगे अपने फाइनेंसेस. एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी जो बेसिकली बताती है कि किस तरीके से अगर हम फिस्कल डेफिसिट नहीं मेंटेन कर पाए तो हम वापस कैसे आएंगे. ठीक है, तो वो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी. सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर देयर व्हेन यू टॉक अबाउट द बजट. ठीक है, सो जो भी मैंने आपको लास्ट डॉक्यूमेंट दिखाया था उसके अंदर एक एक पैराग्राफ्स हैं. यू नीड टू रीड दोस पैराग्राफ्स, क्योंकि इनके ऊपर ना कई बार 2 मार्कर्स आ जाते हैं पेपर में. 2 मार्कर्स आ जाते हैं टू राइट डाउन, या 5 मार्कर्स आ जाते हैं जस्ट टू राइट अबाउट कि व्हाट इज दिस. देन लेट्स टॉक अबाउट द बजट साइकिल नाउ. ये आज का हमारा एजेंडा है. हमने क्या क्या कर लिया था? हमने ये स्ट्रक्चरल और एनालिटिकल बजट के बारे में बात करी थी. हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में बात करी थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. हमने ये रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स के बारे में बात करी. हमने रेवेन्यू साइड के बारे में बात करी, कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात करी, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन योर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू एंड प्राइमरी डेफिसिट. देन हमने ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी देखा कि ये कैसे आता है. यू शुड नो दिस न्यूमेरिकल गाइज, एज आई टोल्ड यू दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन. हमने ये सारे निकाल के देखे. ठीक है, देन वेयर डज द मनी कम फ्रॉम एंड वेयर डज द मनी गो. वी सॉ दैट प्रोजेक्शन जो जिसमें हमारा 1 रुपी कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू साइड से कैसे आ रहा है. ठीक है, एंड वो 1 रुपी कहाँ स्पेंड हो रहा है वो देखा हमने. डेफिसिट ट्रेंड्स देखे हमने कि डेफिसिट्स कैसे कैसे हमारे अभी बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ये आपको सिर्फ ट्रेंड्स पता होने चाहिए. नो वन विल आस्क यू दिस नंबर कि ये कितना था. ठीक है, नो वन इज गोइंग टू गो इन टू दोज डिटेल्स ऑफ दीज नंबर्स, बट इन जनरल यू शुड नो हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग. Then we went for a deep dive into the receipt side. And कई बार numerical जो होता है वो इस साइड से आ जाता है कि आपके पास ये सारे कुछ taxes दे रखे हैं, ये सारे कुछ दे रखे हैं items, and फिर आपको बोला है कि total receipts निकालो या non revenue side का निकालो. So you should know the detailed version of this as well. So this is just a detailed version of, this is not but a detailed version of revenue side. You should know these items and you should definitely know कि what, how do you do this addition, subtraction, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं. Now today's objective is the timeline of the budget process. ठीक है, आज हमें ये timeline देखना है budget process का. ठीक है, in which we will talk about that each budget process. अभी तक हमने क्या बात करी थी guys, that एक budget जो है वो कितने साल तक दिख रहा है हमें हमारे accounts में. Sir, it includes 3 years.
वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट इट इट रिफ्लेक्ट्स फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर का बजट कौन सा होगा 2022-23 तो नेक्स्ट ईयर ये जो बजट है ये आएगा बजट एस्टिमेट्स उसके नेक्स्ट ईयर 2022-23 बन जाएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बन जाएगा 2022-23 एक्चुअल्स बट इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर ईयर्स गाइस इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर ईयर्स दीज आर फाइनेंशियल ईयर्स इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर ईयर वी विल सी दैट ईच बजट इज रिप्रेजेंटेड इन फोर ईयर्स इट्स रिप्रेजेंटेड इन फोर ईयर्स ठीक है Let's talk about कि ये budget making का timeline क्या है। Your budget guys, your budget actually starts from अब जो next budget जो आना है guys, as you rightly said, next budget जो आना है वो आना है 2022-23। कौन सी date को आना है guys ये? कब आएगा? First Feb 2022 को आएगा ये budget, ठीक है? Yes sir. बट डू यू थिंक गाइस कि वो बजट एकदम से प्रकट हो जाएगा कि एकदम से सरकार है कि अच्छा इतना रेवेन्यू इतना है उसका प्रोसेस पहले शुरू होगा ना आप पहले से डिसाइड करके चलोगे कि अच्छा हमारा कितना रेवेन्यू होगा और कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है सो दिस प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एज वी स्पीक इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर ये ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर का बजट का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है सो दिस इज फेज वन ऑफ बजट में ठीक है This phase one starts from अगर मैं इस साल के बजट अगर मैं 2022-23 के बजट की बात करूं तो ये कब शुरू हुआ ये शुरू हुआ अगस्त ऑफ 2021 में शुरू हो चुका है और ये बनना बंद होगा ये फाइनलाइज हो जाएगा क्योंकि बजट के पेपर प्रिंट भी होने हैं और उसके बाद प्रेजेंट भी होने हैं तो ये 15th ऑफ योर जनवरी तक क्योंकि फर्स्ट को तो प्रेजेंट ही होना है 15th ऑफ जनवरी तक ये पूरा फाइनलाइज हो जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हो जाती है बजट की एंड इकोनॉमिक सर्वे की एंड पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे कैन नॉट लीव द ऑफिस एज वेल तो वो लोग वहीं खाते हैं वहीं सोते हैं ठीक है इट्स इन सो मच ऑफ सीक्रेसी बिकॉज दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देन तो ऑगस्ट 2021 में ऑलरेडी शुरू हो चुका है प्रोसेस और ये खत्म होगा प्रोसेस 31-1-2022 क्योंकि नेक्स्ट डे तो बजट प्रेजेंट ही हो जाना ठीक है तो ये प्री बजट का फेज है मेकिंग ऑफ द बजट समझ में आया गाइस फेज वन समझ में आया यस सर ठीक है तो ये कैलेंडर ईयर वन हो गया कैलेंडर ईयर वन क्या हुआ कैलेंडर ईयर वन हो गया आपका 2021 ठीक है और कैलेंडर ईयर टू क्या हो गया 2022 तो 2021 में भी काम शुरू हो चुका है 2022 के जनवरी में ख़त्म होगा ये काम तो इसमें शुरू कैसे होता है ये काम इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपका बजट का सर्कुलर निकलेगा मिनिस्ट्री का ठीक है अगस्त एंड सितंबर जैसे अभी ऑलरेडी निकल चुका है फिर उसके बाद क्या होता है ये हर एक मिनिस्ट्री जो है वो बताती है डिफेंस मिनिस्ट्री बताती है कि बॉस मुझे इतने गन्स चाहिए चाइना जो है वो कभी भी अटैक कर सकता है मुझे एडवांस कुछ गन्स चाहिए मुझे कुछ इस तरीके के शूज़ चाहिए हमारे लोगों के लिए हमें इतने टैंक्स चाहिए तो वो अपना बजट बता रहा है सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए हमें चाहिए तो हर मिनिस्ट्री जो है ईच मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री शेयर्स कि उनका बजट एस्टिमेट क्या है विद द बजट डिविजन कि सेप्टेम्बर तक वो बताते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में ठीक है ये पहला स्टेप हो गया फिर उसके बाद अब जो सेक्रेटरी होता है हर मिनिस्ट्री के अंदर अगर आप देखो तो जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी होता है हर मिनिस्ट्री का और इन सबके ऊपर होता है चीफ सेक्रेटरी सो चीफ सेक्रेटरी गाइज अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखो ये IAS होते हैं हमेशा दिस इज द हाईएस्ट पोजिशन दैट एन IAS कैन गेट इन हिज और हर लाइफ इससे ऊपर कोई पोजीशन नहीं है किसी भी IAS के लिए ठीक है तो चीफ सेक्रेटरी के नीचे सेक्रेटरीज होते हैं हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है हर इंसान की होप होती है कि मैं IAS जो है वो 24 ईयर्स से
एज से पहले बन जाओ। अगर आप 24 इयर्स की एज से पहले आईएएस बनते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल, यू विल क्वालिफाइड टू बी इन, टू बी एलिजिबल फॉर चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। उससे पहले और उसके बाद अगर आप बनोगे तो यू विल नॉट बी, वो एज क्राइटेरिया जो है वही खत्म हो जाएगा। बट अब आने वाले टाइम में सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट अभी तक ये था। सो चीफ तो हर मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और अक्टूबर में इनकी मीटिंग शुरू होती है और फिर डिसाइड होता है कि अच्छा प्री बजट मीटिंग में डिसाइड होता है अच्छा आप इतना इसमें ले लो, इतना इस हेड में ले लो, तो वो आप रैशनलाइज करना शुरू करते हो कि मिनिस्ट्रीज ने खर्चा किस किस चीज़ों में मांगा है। देन उसके बाद हर एक की सीलिंग तय हो जाती है कि हर एक मिनिस्ट्री को कि एग्रीकल्चर को इतना पैसा मिलेगा, डिफेंस को इतना मिलेगा, रूरल डेवलपमेंट को इतना मिलेगा, एजुकेशन को इतना मिलेगा, हर एक मिनिस्ट्री की सीलिंग डिसाइड हो जाती है, सीलिंग फॉर स्कीम्स कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बता देता है कि आपकी ये मिनिस्ट्रीज हैं, इस मिनिस्ट्रीज में ये स्कीम्स चल रही हैं, तो इस में इतना पैसा की सीलिंग हमने लगा दी है, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस, तो ये सीलिंग वाला प्रोसेस जो है 15th of January तक हो जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो मीट्स अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल एग्रेरियन वाले बड़े बड़े लीडर से मिलेगी फाइनेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगी, रतन टाटा से मिलेंगी, मुकेश अंबानी से मिलेंगी, इंडस्ट्रीज का जो ग्रुपिंग होता है जिसको हम कई बार बोलते हैं CII या फिकी, इन सब से मिलेंगी कि अच्छा आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कि क्या कैसे हमें इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सारी प्री बजट मीटिंग्स जो हैं शी विल होल्ड विद ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स, ठीक है। और ये सारा दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच में ये सारी मीटिंग्स हो जाएंगी। देन फाइनली जनवरी में फाइनेंस मिनिस्टर विल ऑल्सो मीट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट पीपल कि अच्छा हम रेवेन्यू कितना रेज कर रहे हैं और कैसे हमें अपने हमें रिसीट्स चाहिए, हम कैसे रेज कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर वाला साइड तो यहाँ पर आ रहा है, फिर रेवेन्यू वाले साइड से भी फाइनेंस मिनिस्टर मिलती है कि अच्छा आप रेवेन्यू कैसे रेज कर रहे हो। एंड फाइनली मिड ऑफ जनवरी में, क्योंकि दिस बजट हैज़ टू बी अप्रूव बाई बोथ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये देयर इज समथिंग कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। Finance Minister is a part of this Council of Ministers. So Finance Minister will take this budget, these budget documents to the Council of Ministers and get it approved from them. Without their approval, the budget cannot be presented. ठीक है, so then once it's approved in mid of January, then 15 January के बाद ये printing शुरू हो जाती है and 31st तक ये printing का काम चलता है। समझ में आया guys? ये पूरा phase समझ में आया? Yes sir. ठीक है? Yes sir. So, ये जो है दिस फेज, एज आई वॉज टेलिंग यू, दिस फेज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑगस्ट ऑफ कैलेंडर ईयर 1 टिल जैन ऑफ कैलेंडर ईयर 2। और ये फेज में क्या हो रहा है, ये से फेज में फॉर्मुलेशन हो रहा है, इसमें हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं बजट का, ठीक है। ये फर्स्ट फेज है, फेज 1। देन द नेक्स्ट phase, the next phase is the enactment. Enactment में क्या होगा, enactment में budget जो होगा वो present होगा, ठीक है। और it is very similar to how other bills are also presented, ठीक है। The introduction of the bill and then the first reading of the bill, then second reading of the bill and then third reading of the bill, similar aspect में budget भी चलता है, ठीक है। So सबसे पहले budget में the finance minister will come in Lok Sabha and she will present the budget कि ये budget के मोटे मोटे बड़े बड़े points हैं, ठीक है। it will only be a one sided speech this which is called as prime minister of finance minister speech। तो यहाँ पर 1 February को सिर्फ speech होती है, there is no debate on it, there is no voting on it, ठीक है। उसके बाद कुछ दो चार दिन का कुछ दिन का गैप होता है, उसके बाद ये बजट, एज आई टोल्ड यू, बजट अपने आप में बिल नहीं है, दो बिल, अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट होता है एंड फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है। अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर
अप्रोप्रिएशन बिल जो बेसिकली होता है, इसमें हर एक मिनिस्ट्री डिमांड कर रही होती पैसे, यही होता है ना, डिमांड फॉर मनी ही तो है अप्रोप्रिएशन, कि किसको कितना पैसा चाहिए। समझ में आ गया इस अप्रोप्रिएशन बिल डिमांड फॉर मनी है, कि हर एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे स्कीम के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे स्कीम के लिए इतना पैसा चाहिए। सो इजंट दिस समथिंग लाइक डिमांड कर रही है हर मिनिस्ट्री? यस नो? यस सर। यस सर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल इज नथिंग बट एन सबमिशन ऑफ, दिस इज स्टैटिस्टिकल सिंबल, सबमिशन ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स। हर मिनिस्ट्री के डिमांड फॉर ग्रांट्स को ऐड कर दोगे सबको, तो वो अपने आप में अप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है। ठीक है, देर आर आई थिंक 120 odd डिमांड फॉर ग्रांट्स ओवरऑल। अगेन आई वुड हैव टू चेक विद लक्ष्मीकांत। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट रेफरेंस बुक दैट यू कैन हैव फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो एज फार एज आई रिमेंबर देयर वर 120 और 124 डिमांड फॉर ग्रांट्स इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। सो ये जो 124 डिमांड फॉर ग्रांट है, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने करें, और इन सारों सब पे एक एक करके इनका डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन हुआ पहले फर्स्ट वीक के अंदर बजट के ऊपर, फिर उसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। पहले तो सिर्फ रीडिंग हुई, यहाँ पर तो स्पीच हुई, फिर जनरल डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन होता है इन सारे के सारे 124 odd डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, कि अच्छा इस मिनिस्ट्री को इतना चाहिए, इस मिनिस्ट्री को इतना चाहिए। तो डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे, और उसके बाद उस डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होगी। ठीक है, और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वोटिंग में हार जाए? कैसा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई डिमांड फॉर ग्रांट पास ना हो? उसमें भी तो देयर वाज अ स्टेप जब हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री वो डिस्कस करती है पूरी उससे कि उनको कितने पैसे चाहिए, तो व्हाई अगेन दे आर गिविंग डिमांड फॉर ग्रांट्स? देखो, आप अपने घर पे अपनी पॉकेट मनी अपना डिस्कस करते हो अपने पेरेंट्स से? अरे हाँ कि नहीं डिस्कस करते हो कि अच्छा जब आप कॉलेज जाने लग जाओगे तो आप ये बोलोगे ना कि पापा मम्मी मेरी अब मैं आप कॉलेज जा रही हूँ तो मुझे मेट्रो के लिए भी अलग से पॉकेट मनी चाहिए, मुझे मेट्रो से उतरने के बाद, ग्रीन पार्क उतरने के बाद मुझे कॉलेज तक के लिए जो रिक्शा होता, ऑटो होता उसके लिए भी पैसे चाहिए, फिर मुझे कभी कभार डिगिन भी जाना होगा उसके भी पैसे चाहिए। तो ये आप डिमांड फॉर ग्रांट करोगे कि नहीं करोगे? अल्टीमेटली डिमांड करोगे ना? यस सर। एक मिनट, सेमी कौन सा करना है? तो सेमी कौन सा करना है? यस सर, टिपिकली यस। ठीक है, तो दैट इज वेयर योर डिमांड कि आपने करी, बट उसके बाद आपके पेरेंट्स उसके बाद रैशनलाइज करके, अगर आपने, आप तो मान लो, आप तो कह दो कि भैया मुझे 50,000 रुपये दे दो। ठीक है, आप मांगने को तो 50,000 रुपये मांग लो, पर आपके घर वाले अल्टीमेटली रैशनलाइज करके आपको हो सकता है 10,000 रुपये दें। तो अल्टीमेटली पास कितना हुआ वो मैटर करता है ना, सरकार को अल्टीमेटली पास करना है कि इतना मांगा कितना था वो मैटर नहीं करता, कितना पास हुआ है। ठीक है, कितना आपको पॉकेट मनी मिली है, समझ में आया डिफरेंस? यस सर, बट सर अल्टीमेटली तो वो पास हो जाएगा बिकॉज जो गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है वो मुझे एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिमांड फॉर ग्रांट कभी कभी पास ना हो पाए, क्योंकि अगर डिमांड फॉर ग्रांट पास नहीं हुआ तो उस गवर्नमेंट का सेंसर हो चुका है, और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नेक्स्ट जो चीज होगी वो क्या होगी, ऑपोजिशन क्या लेके आएगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा सरकार के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिमांड फॉर ग्रांट कभी फेल हो जाए। ठीक है, या फिर उसके अंदर इवन अमेंडमेंट आ जाए, इसके अंदर कट मोशंस भी होते हैं। ठीक है, कि आपने 1,000 रुपये मांगे तो आप कह रहे हो कि नहीं 1,000 रुपये की बजाय 900 रुपये ले लो। ठीक है, या 1,000 रुपये की बजाय 1 रुपया ले लो। ठीक है, या 100 रुपये ले लो। देर आर 3 काइंड ऑफ कट्स। ठीक है, अगेन आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दोज कट्स राइट नाउ, बट आप ट्रिम डाउन भी कर सकते हो, कि किसी ने 1,000 रुपये मांगे तो आप उसको पॉलिसी कट करके कह दो कि 900 रुपये दूंगा जी। ठीक है,
नहीं पॉलिसी कट नहीं, आई थिंक दिस वाज टोकन कट. एक एक होता है टोकन कट जिसमें 1 रुपये से आप रिड्यूस कर देते हो, एक होता है पॉलिसी कट, और एक तीसरा कट होता है, आई एम फॉरगेटिंग गाइस, लॉन्ग टाइम बैक दैट आई हैव रेड. किसी को याद है गाइस, किसी ने पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा? टोकन कट, पॉलिसी कट एंड इकोनॉमी कट. टोकन कट होता है कि आप किसी चीज़ से, किसी ने आपसे 1,000 रुपये मांगे, आप उसको कह रहे हो कि नहीं मैं 999 दूंगा, ठीक है, 1 रुपया काट लेते हो और कहते हो कि नहीं मैं, मुझे मतलब ठीक है आप कर लो बट मैं अग्री नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए एज अ टोकन आप एक एक रुपया काट रहे हो. इकोनॉमी कट में आप कहते हो कि नहीं 1,000 रुपये की बजाय से मैं कहता हूँ कि नहीं 750 देने चाहिए. तो एक कोई पॉलिसी के लिए आप कहते हो कि नहीं बॉस इतना इतना अमाउंट रिड्यूस करेंगे हम इससे. और पॉलिसी कट का मतलब होता है कि मैं उस पॉलिसी से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ और इसको मैं सिर्फ इसको सिर्फ 1 रुपया दूंगा, 1,000 रुपये मांगे 1 रुपया दिया, ठीक है. तो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ कट्स, बट अगेन नन ऑफ दीज कट मोशंस कैन एवर बी पास, बिकॉज अगर कोई मोशन ये पास हो गया दैट मीन्स अगेन इट विल बी सेंचर ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन लीडिंग टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो ये होते नहीं. दैट कैन नॉट बी द केस थनमय, दैट कैन नॉट बी द केस, द मिनिस्टर वुड हैव टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है. तो यू कैन नॉट हैव मिनिस्टर्स क्लैशिंग विद ईच अदर, दैट इज नॉट हाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क, ठीक है. इनफैक्ट देर इज ऑल्सो अ विप, देर इज समथिंग कॉल्ड पार्लियामेंट में पढ़ना है इसके बारे में, विप, यस सर, ठीक है. यू आर नॉट अलाउड टू गो अगेंस्ट द विप ऑफ योर गवर्नमेंट, आपको बाहर निकाला जा सकता है पार्लियामेंट से, मतलब इन द सेंस यू कैन लूज योर मेंबरशिप. तो ये सारी चीज़ें. डिफेक्शन, डिफेक्शन यस, ब्रॉडली यस, ब्रॉडली यस बट नॉट एग्जैक्टली. ओके, द अदर क्वेश्चन वॉज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल. थनमय, द डिफरेंस इज अप्रोप्रिएशन बिल इज टू टेक आउट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. वेन यू वॉन्ट टू से स्पेंड ऑन डिफरेंट स्कीम्स, यू वॉन्ट टू टेक आउट मनी, फॉर दैट यू हैव अप्रोप्रिएशन बिल. But when you want to put in money into the consolidated fund of India, you have to, you're raising resources, spending, you can think of it as spending and raising money. So for raising money, you have to pass your finance bill. नहीं पूर्णिमा, अगर वो grants they asked for it, तो वो government को पहले ही pre-budget में ही rationalize कर लेगी ना उस चीज़ को. यहाँ पर जाके ऐसे थोड़ी ना कह देगी कि बीजेपी की सरकार कहेगी नहीं यार हमने वो प्री बजट मीटिंग ठीक से नहीं करी थी. और अल्टीमेटली याद है एंड में क्या हुआ था, एंड में दिस वाज पास्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमपीज के ऊपर है, बीजेपी के एमपीज के ऊपर बैठा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके ऊपर बैठा हुआ है पीएम. जब यहां से पास हो गया तो ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. yes, sir. अगर इन्होंने कोई चीज़ अप्रूव कर दी दैट मीन्स इन्होंने भी अप्रूव करी हुई है. सो एंड द लास्ट थिंग दैट हैपन्स इज द पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल. दिस हैज टू हैपन बिफोर अ पर्टिकुलर डेट. ये दोनों बिल जो हैं एक्ट्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए एक पर्टिकुलर डेट से पहले. वो कौन सी डेट होनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट आई एम सेइंग इज एग्जैक्टली 31st March 2022 से पहले दिस अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल शुड बी पास, बिकॉज फ्रॉम 1st February 2022 योर न्यू बजट हैज स्टार्टेड, योर न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज स्टार्टेड. यू कैन नॉट गिव सैलरीज, यू कैन नॉट रेज मनी, यू कैन नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल रूपी विदाउट द बजट, विदाउट दीज बिल्स नाउ बिकमिंग एक्ट्स. पासिंग hand and the stamp of the President of India should have been given by this day. This is enactment. तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ये जो प्रोसेस शुरू होता है ये आपका शुरू होगा फेब्रवरी ऑफ कैलेंडर ईयर 2 में, ठीक है, एंड मार्च ऑफ कैलेंडर ईयर 2 में ही ये ख़त्म होगा. एंड दिस इज enactment ऑफ द बजट. लेट्स सी द थर्ड पोर्शन. The third portion is calendar year 3, ठीक है, ये third phase है. ये fourth phase है calendar, ये fourth phase है, ये third phase है, sorry. This is third phase, second phase, first phase, and this is fourth phase.
सो थर्ड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में इम्प्लीमेंटेशन होगा बजट का। तो बजट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है 1 फरवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। तो ये अब कैलेंडर ईयर 3 में पहुंच गया है, ये कैलेंडर ईयर 2 था और बनना शुरू हुआ कैलेंडर ईयर 1 में शुरू हुआ था। Yes, तो sir. तीसरा कैलेंडर ईयर तक आप पहुंच चुके हो जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स कैरी आउट दीज दीज प्रपोजल्स, ठीक है। किसी को कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी चाहिए होता है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहिए किसी मिनिस्ट्री को तो वो कैसे होगा, रीड योर लक्ष्मीकांत, यू विल गेट टू नो। एंड एंड में ऑल्सो योर होमवर्क फॉर टूडे इज देर इज समथिंग कॉल्ड मार्च रश, रीड अबाउट दिस मार्च रश, वॉट इज दिस मार्च रश, ठीक है। ये आपकी सोसाइटीज के साथ भी होता है भाई, दी गाइस इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हिच हैपेंस इन सोसाइटीज एज वेल एंड कॉलेजेस, समथिंग कॉल्ड मार्च रश। देन उसके बाद ये आपका खत्म हो गया, आपका बजट का साइकिल खत्म हो गया। बट अब शुरू होता है ऑडिटिंग का पार्ट और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी शुरू होती है कैग। दो बॉडीज आएंगी, दो इंपॉर्टेंट बॉडीज, एक कैग विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर बॉडी विच सुपरवाइजेस एवरीथिंग इज पैक कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। अगेन व्हेन यू रीड द चैप्टर ऑन पार्लियामेंट या फिर आई थिंक नए वाले एडिशन में पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर नया चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ योर कोर्स। एंड कैग इज सेड टू बी अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड अ गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। इन दोनों के अंदर काफी अच्छा लिंक होता है। देन अब ये ऑडिट क्या होता है, अब थर्ड जब आपका साल खत्म हो गया तो आप ऑडिट करना शुरू करते कि भाई कितना खर्चा बोला था, कितना खर्चा हुआ, कैसा खर्चा हुआ, सबके सबके बिल्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखना शुरू करते हो, वो स्पेंडिंग ठीक थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें भी देखते हो। तो आप शुरू करोगे ये एक्सरसाइज 1 अप्रैल 2023 को जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, एंड फेबररी ऑफ 2024 को मैं ये ऑडिट वाला साइकिल खत्म हो जाए। तो ये जब 24 आ गया तो ये कैलेंडर ईयर 4। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चार कैलेंडर ईयर्स के अंदर स्प्रेड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है दैट ऑडिट फाइंडिंग्स जो हैं 8 मंथ्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑडिट फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड, ठीक है। तो जैसे 8 मंथ्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हुआ, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ इस डेट को, उसके 8 मंथ्स बाद, ठीक है, यूजली फरवरी तक हो गया आपका टाइम, ठीक है, तब आपकी ये रिपोर्ट्स प्रेजेंट होनी शुरू हो जाती हैं कि इतना सरकार ने पैसा इस स्कीम पे खर्च किया, इतना सरकार ने पैसा इस चीज़ में खर्च किया और वो खर्चा ठीक था। सो ये शुरू तो इनफैक्ट थोड़ा पहले ही कर देते हैं, शुरू तो ये 31 जनवरी 2023 को ही शुरू कर देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत एडिटिंग ये ऑडिट्स करना, बट प्रिपरेशन जो है पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो नेक्स्ट पूरा फाइनेंशियल ईयर ले जाएगी। सो 31 मार्च 2024 तक ये पूरा ऑडिट का काम चलता रहेगा और जो इनकी ऑडिट की रिपोर्ट्स होती हैं, और ऑडिट कौन कर रहा है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है इसको प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में और वो स्क्रूटनाइज करती हैं इनकी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको, ये बजट का साइकिल है। लेट्स मेंशन इट इन आवर पीपीटी एज वेल। तो ये आपका हुआ 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये आप कैलेंडर ईयर में 2 में हो तो इसको लिख लो आप अप्रैल, गाइस मेरी स्क्रीन शायद नहीं, ठीक है, अप्रैल कैलेंडर ईयर 2 से मार्च कैलेंडर ईयर 3, ठीक है। एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इज योर ऑडिट फेज। ऑडिट फेज एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल ऑफ कैलेंडर ईयर 3 to March of
कैलेंडर ईयर 4 जिसके अंदर हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, समझ में आया गाइस? टाइमलाइन समझ में आई? यस। एक्सक्यूज मी सर। यस यस, मुझे बताओ। सर वी हैव टू बॉडीज अंडर ऑडिट, कैट एंड द अदर वन। ऑडिट की नहीं है दूसरी बॉडी पूजा, दूसरी बॉडी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमेटीज होती हैं, ऑफ विच दिस इज अ परमानेंट कमेटी, एडहॉक कमेटीज होती हैं, परमानेंट कमेटीज होती हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, 30 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, आई थिंक 20 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। एंड द हेड ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी इज ऑलवेज फ्रॉम द ऑपोजिशन। ओके सर। तो ये अच्छी तरीके से, ये सिर्फ ये नहीं देखती कि पैसा आपने आपने जो पैसा खर्च किया, सपोज आपको 100 रुपये खर्च करने थे तो आपने 100 रुपये खर्च करे हैं या नहीं करें, ये भी देखते हैं कि आपने वो 100 रुपये किस तरीके से खर्च करें, क्या उनका बेटर यूटिलाइजेशन उस 100 रुपये का हो सकता था। ठीक है, सो इट ऑल्सो गेट्स इन टू दोज नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है, एडिट के डिफरेंट, ऑडिट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यू विल फाइंड इट इन दिस थिंग लक्ष्मीकांत, प्रोप्राइटरी एडिट्स एंड अदर ऑडिट टाइप्स। समझ में आ गई? यस नो यस सर। Actuals found through auditing? Actuals are actually not a part of your auditing, but auditing can also help in this. Okay, sir. Usually reported by ministries, but actuals, I mean, of course, tally करने के लिए you can always use auditing as well. The actuals are given by ministries. Usually by ministries, but again, guys, I would need to come back on this. I mean, sounds like कि ministries करने चाहिए, but audit भी उस number को reconfirm कर सकता है, but problem is कि audit का काम थोड़ा बाद में ख़त्म होगा, उससे पहले शायद से actuals चाहिए, तो हो सकता है कि ये number वो देते हों, but I'm not very sure, I would have to read upon this कि actuals दे कौन रहा है, ministries दे रही हैं कि audit का number actually में quote होता है। ठीक है, I'll get back on this after reading. Any other doubt guys? What's the point? Yes, exactly. इसका ये हमारे यहाँ पर ये तो चीज़ है, ठीक है, कि डिस्कशन का पॉइंट नहीं, इसीलिए बजट के अंदर बहुत सारे प्रपोजल्स जो होते हैं उन पर कभी डिबेट ही नहीं होती। ठीक है, रीड अबाउट समथिंग कॉल्ड गिलोटिन। कोई हिस्ट्री से है गाइस? हिस्ट्री से? इज एनी वन फ्रॉम हिस्ट्री? यस सर। Have you heard of guillotine? Sorry, sir. Have you heard of guillotine? French Revolution guillotine. Yes. So where they behead the person? Yes, exactly. ठीक है, तो same guillotine का provision parliament में भी होता है कि आपने क्या किया, आपके पास 100, अभी हमने क्या बोला था, 124 demands for grant है। ठीक है, आइडली क्या होना चाहिए था, हर एक डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होनी चाहिए ना, यही होना चाहिए आइडियली, आप यही मानते हो? यस सर। हार्डली 10 से 15 डिमांड फॉर ग्रांट्स पे बात होती है पार्लियामेंट में, बाकी सबको एक साथ ब्लॉक करके, बाकी 110 को एक साथ ब्लॉक करके सीधा पास कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं गिलोटिन। यू डोंट इवन डिस्कस दीज थिंग्स, यू जस्ट पास इट विदाउट डिबेट। ठीक है, सो इसको गिलोटिन बोलते हैं पार्लियामेंट्री टर्म्स में, द टर्म विच वॉज यूज इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस एग्जैक्टली, दिस इज वॉट आई हैड मैंशनड इन द प्रीवियस क्लास एज वेल, आई थिंक शिवांगी इज आस्किंग, सो इट डज अ पोस्टमार्टम काइंड ऑफ अ वर्क, आई कॉल इट एज अ कोरोनर्स वर्क रादर देन अ डॉक्टर्स वर्क, सो इट डज अ पोस्टमार्टम एक्सरसाइज, वेर एज कैग एज अ बॉडी वेर वी हैव taken the inspiration from is basically from UK, but in UK CAG जो है वो preemptively भी बोल सकता, खर्चा करने से पहले भी बोल सकता है, तो इंडिया के अंदर जो CAG है, इंडिया के अंदर जो CAG है वो सिर्फ ऑडिटर जनरल है, ऑडिट करता है, कंट्रोलर नहीं है। UK के अंदर वो कंट्रोलर का भी काम करता है, इंडिया के अंदर सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम करता है, उसका नाम हम CAG बोलते हैं, बट इन इफेक्ट वो सिर्फ ऑडिटिंग का काम कर रहा है, उसका काम ये नहीं है
कि खर्चा करने से पहले वो देख ले कि अच्छा खर्चा ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा. इट ओनली डज एज शिवांगी पॉइंट्स आउट, इट ओनली डज अ पोस्ट फैक्टो और अ पोस्ट मॉर्टम एक्सरसाइज. क्लियर गाइस? यस नो? यस सर. यस सर.